मैं हूं आशुतोष व्यास, भवानी फार्म भावनगर गुजरात से। आप सभी दोस्तों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल के लिए हमारा पिछले सालों का जो संबंध था वो प्रगाढ़ हो, वो इतना गहरा हो और हमारा प्यार आपस में जो था वो आगे बढ़े नए साल में, ऐसी माँ भवानी के सामने प्रार्थना के साथ आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है हमारे ईवीएम की प्रोग्रेस पर, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किए थे कि सर आपकी ईवीएम जो है उसकी प्रोग्रेस है वो दिखाएगा। तो ये जो वीडियो है मेरा, ये मेरी इस ईवीएम की प्रोग्रेस के ऊपर है दोस्तों, कि आपकी कमेंट के ऊपर। मेरा अगला वीडियो है वो बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि आपकी कमेंट, आपकी जो जिज्ञासा है, आपके जो सवाल है, आपके जो कमेंट है उनके ऊपर मैं अपना अगला वीडियो बना सकता हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाँ फिर से एक बार आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। नया साल हमारा आपस में प्यार गहरा बने, हमारा आपस में प्यार स्नेह और जो हमारा संबंध है वो इतना ही गहरा बने पिछले सालों के मुकाबले। अगले साल में हम जैसे हमारे बर्ड्स की प्रगति चाहते हैं, हम हमारी एवियरी की प्रगति चाहते हैं, वैसे ही हम आपस में दोस्तों का प्यार भी बढ़ना चाहिए। जैसे हमारी एवियरी में आज हम ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाएंगे तो हमें बहुत आनंद होगा, आप देखेंगे तो आपको भी आनंद होगा कि ब्रीडिंग हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। ऐसे ही हमारे संबंधों का है, आप सभी दोस्तों का प्यार, आप सभी दोस्तों की जो मेरे साथ संबंध है उनसे मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है, बहुत सारी हुक मिलते हैं, बहुत सारे इमोशंस मिलते हैं, बहुत सारे कॉमेंट मिलते हैं और उनके हिसाब से मैं आगे चल सकता हूँ अपने जीवन में। तो दोस्तों आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं और दीपावली पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए देखते हैं मेरे ये मेरी बहुत ही पसंदीदा पेयर है, बहुत ही मेरी सक्सेसफुल पेयर है, मेरी बहुत ही अच्छी पेयर है। मैंने पिछले वीडियो में ये पेयर का जिक्र भी किया था, एक बार फिर से आप देख लीजिए, अल्बिनो टू अल्बिनो मेरी ये पैर है और ये जो है वो मेरा केजी नंबर 5। इसका जो चिक्स मैंने पिछले एक वीडियो भी स्पेशल इन पर बनाया था कि इसमें मेल है 228 नंबर का अल्बिनो और फीमेल जो है वो 250 नंबर की अल्बिनो। उन्होंने पहला क्लच किया था, यह पहला क्लच है 28/9 को, दूसरा एग ले किया था 30/9 को, तीसरा एग ले किया था 2/10 को, चौथा एग लिया किया था 4/10 को, पांचवा एग ले किया था 6/10 को। ये 5 एग ले किया था जिनको मैंने फॉस्टर किया था केज नंबर 38 में। और अब ये उसका दूसरा लेइंग है, ये आप देख लीजिए केवल 28 दिनों में ये पैर ने फिर से एक बार एग ले कर दिए है। ये पैर का पहला एग आया है 24/10 को, जबकि यहाँ पर आप देख लीजिए पिछला एग आया था 6/10 को। तो ये दूसरे प्लस में 24/10 को, यानी कि आखिरी एग ले किया था 6/10 को और फिर से एक बार दूसरा क्लच स्टार्ट कर दिया है उन्होंने 24/10 को। तो अब देख सकते हैं कि केवल 18 दिनों में ये पैर फिर से एक बार ब्रीडिंग के लिए तैयार हो गई। दूसरा एग आया 26/10 को, तीसरा एग आया 27/10 को, चौथा एग आया 30/10 को और पांचवा एग आया 2/11 को। तो ये इस पैर की खूबसूरती है, आप देख लीजिए ये पहला क्लच जो मैंने फोस्टर किया था केज नंबर 38 में। आइए मैं दिखाता हूँ सबसे पहले इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस। दोस्तों ये देख लीजिए केज नंबर 38 और यहाँ पर ये केज नंबर 5 पर से
ये आप देख लीजिए, केज नंबर 5X फोस्टर फ्रॉम केज नंबर 5। यहाँ पर केज नंबर 5 से 5 एग मैंने फोस्टर किए थे। आइए दिखाता हूँ मैं, ये बहुत ही घना घोंसला बनाया है इस पेड़ ने। ये पेड़ जो है वो बहुत ही, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो इस पेड़ के 2 अंडे अभी आने बाकी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 चिक्स उनके आ चुके हैं। तो ये वो पेड़ की खूबसूरती है कि पहला क्लच वो मैंने फोस्टर किया था, वायलेट फिशर जो है वो ये पेड़ को पाल रही है, और अब देख सके कि 3 चीक्स इसमें निकल चुके हैं, 2 अभी एक अभी बाकी है और 2 चीक्स अभी निकलना बाकी है। ये इस पेड़ का मेल है और वायलेट फिशर, मऊ फिशर मेल है, और वायलेट फिशर जो है वो इसकी फीमेल है। तो अब ये दूसरा क्लच इस पेड़ का, ये 5 नंबर केज है, दूसरा क्लच मैंने आपको बताया था ये आ चुका है यहाँ पर। तो मैं वो दूसरा क्लच भी आपको दिखा दूँ कि दूसरे क्लच में इस पेड़ में क्या प्रोग्रेस किया है। तो ये दूसरा क्लच है, घना घोंसला बनाया है, ये देख लीजिए आप। दूसरे क्लच में भी 5 एग अल्बिनो, बहुत सारी मान्यता ऐसी है कि अल्बिनो ज़्यादा एग्स नहीं देते, अल्बिनो बच्चे नहीं करते, रेड टू रेड म्यूटेशन वीक कही जाती है, लेकिन आपके पास ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग है तो फिर इस बात का कोई मायने नहीं रखता कि ये अल्बिनो है, रेड टू रेड है, वीक म्यूटेशन है, ये कोई चीज़ मायने नहीं रखती। अब आइए दिखाता हूँ मैं अपना केज नंबर 37 की जो प्रोग्रेस है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसमें मेरा वायलेट यूइंग का मेल है और ग्रीन यूइंग की फीमेल है इस पेयर में। ये केज नंबर 37, और सबसे पहले आप देख लीजिए ये वायलेट यूइंग का मेल है और ग्रीन यूइंग की फीमेल है। तो ये वो खूबसूरत पेयर है, आप देख सकते हैं शायद थोड़ा ब्लर हो रहा है। अब देखिए ये वायलेट यूइंग का मेल है और इसके पीछे ग्रीन यूइंग की फीमेल है। तो दोस्तों इसने 5 एग ले किए थे, इसमें से 4 बच्चे निकल चुके हैं, थोड़े बड़े भी हो चुके हैं, और बच्चे काफ़ी शरारती होते हैं, और अब देख रहे हैं कि ये बच्चे बहुत ही आराम से अपने प्यारा सा घर में खेल रहे हैं। ये सबसे बड़ा बच्चा, ये देखिए मेरी अपनी रिंग है, इसमें 2021 की ये रिंग है, और ये इसमें थोड़ा गंदा कर दिया है इस पैर में, लेकिन मैं आपको साफ करके, ये AVS, ये AVS यानी कि आशुतोष AVS के नाम से ये रिंग है, आप देख सकते हैं ये रिंग मेरी अपनी AVS 2021 की रिंग है। और ये चिक्स ऐसे ही दोस्तों, मैं अपने सभी चिक्स को रिंगिंग आपको करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रिंग पहनाने से आपको इसका रिकॉर्ड मेंटेन करने में भी आसानी हो जाएगी, और जब आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो आपको इन ब्रीडिंग का प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, क्योंकि कौन सा चिक्स है वो कौन सी पैर का है ये भी आपको मालूम होगा, और कौन से चिक्स में फर्दर आप जब पेयरिंग लगाएंगे तो कौन से चिक्स के साथ कौन सी पेयरिंग करनी है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। हर एक केज पर रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं सभी केज पर रिकॉर्ड मेंटेन किया है, इस केज पर भी मैं आपको इस पेयर का आप रिकॉर्ड देख लीजिए। जो पहला एग आया था वो 26/9 को आया था, दूसरा एग आया वो 28/9 को आया, तीसरा एग आया वो 30/9 को आया था,
और चौथा एक आया था वो चार सॉरी 2:10 को आया था। तो ये वो रिकॉर्ड है। आइए देखते हैं दूसरी एक पैर की ब्रीडिंग। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा 2 नंबर का केज है, इसमें अल्बिनो का मेल है और अल्बिनो की फीमेल है। मेल है वो अल्बिनो 10 नंबर का है और फीमेल जो है वो अल्बिनो 151 नंबर की है। इसका जो प्रोग्रेस है वो भी आप देख लीजिए। उसका पहला एग ले किया था 3:10 को, दूसरा एग ले 5:10 को, तीसरा एग ले किया 7:10 को, चौथा एग ले किया 9:10 को, पांचवा एग ले किया था 11:10 को और छठा एग ले किया था 13:10 को। आप देख लीजिए 3 से 13 यानी कि 10 दिन में ये पैर ने मेरे को 6 एग्स ले करके दिए थे। इसमें भी बच्चे आ चुके हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ बच्चे कितने हैं इसमें। तो दोस्तों, आपके पास ब्लड लाइन अच्छी हो, बर्ड्स आपके अच्छे हो, तो ये कोई मायने नहीं रखता कि आपके पास कितने रेड आई लगे हैं, अल्बिनो तो अल्बिनो लगे हैं। ये आप देख लीजिए, इसके जो 6 एग थे इसमें से 1, 2 और 3 तीन बच्चे निकल चुके हैं, 2 एग सभी बाकी है, इसमें से 30 निकलना अभी बाकी है और एक जो बड़ा चिक्स था उसको मैंने फॉस्टर कर दिया है, कहीं और जगह पर शिफ्ट कर दिया है। जिससे आपको फॉस्टर भी करना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा चिक्स है वो जल्दी से बड़े होने लगते हैं और जो छोटे रह जाते हैं वो छोटे ही रह जाते हैं। तो फिर जाहिर है कि बड़ा चिक्स उनकी माँ के पास से सबसे पहले फीड ले लेता है और जो छोटा चिक्स है वो फीड ना लेने के कारण आपके बॉक्स में या आपकी मटकी में मर सकता है। इसलिए जैसे ही चिक्स बड़े हो जाए, थोड़े थोड़े हैंड फीड पे ले ली कह रहे, या तो आप फोस्टर किया करें, तो ये करना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनके कारण जो बड़ा चिक्स है वो ज़्यादा खाने लगता है और छोटे चिक्स के भाग में खाना पूरा नहीं आता है, इसलिए वो वीक हो जाता है। तो फिर इसके डेथ होने के कारण भी बन सकता है ये, तो इसलिए आपको चिक्स भी थोड़े बहुत फोस्टर किया करना चाहिए। दोस्तों मैं दिखाता हूँ, ये 24 नंबर की पैर है मेरी, जिसमें आप देख सकते हैं कि वायलेट फिशर की फीमेल है और कोबाल्ट फिशर की सॉरी कोबाल्ट सेबल का मेल है और वायलेट फिशर की फीमेल है। आइए देखते हैं, ये उनके रिकॉर्ड मेंटेन कीपिंग किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं इनके एग्स में, ये देख लीजिए दोस्तों, ये वो चिक्स है जो इस पेयर ने मुझे दिए हैं, 1, 2, 3 और 4 चिक्स है, सॉरी 5 चिक्स है। ये आप देख लीजिए, 5 चिक्स ये पैर पाल रही है। ये सबसे बड़ा वाला है, ये चिक्स, इसमें सभी में रिंग भी मैंने डाल दी है। ये आप देख लीजिए, पिछली रिंग में शायद क्लियर नहीं दिखता था, तो ये रिंग में आप देख लीजिए, ये बहुत ही शरारती चिक्स है इसलिए थोड़ा बहुत ब्लर होता है। ये ए वी यास, ये मेरी अपनी रिंग है, ये आप देख सकते हैं 2021 की, ये उल्टा रिंग है, ये 2021 की रिंग है और ये वो 5 चिक्स है। ये आप देख लीजिए, ये ठंडी के कारण थोड़े बहुत सिकुड़ते जा रहे हैं, ये 2, 3, 4 और ये 5वां चिक्स। तो ये मेरा केज नंबर 24 की प्रोग्रेस है, आप देख सकते हैं।
अब आप देख लीजिए ये केज नंबर 23 है, इनकी प्रोग्रेस भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें वायलेट फिशर का मेल है और मऊ फिशर की फीमेल है। ये केज नंबर 23 है, ये वो पैर है जिसमें वायलेट फिशर और मऊ फिशर, वायलेट फिशर का मेल है और मऊ फिशर की फीमेल है। आइए उनका भी ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखते हैं। दोस्तों मेरी इस चिक्स पैर ने भी 5 मुझे चिक्स दिए है, ये आप देख लीजिए। सबसे बड़े वाला फेदर्स भी धीरे धीरे आने लगे। ये वायलेट फिशर है, ये कोबाल्ट फिशर है। एक उनकी माँ पे गया है, एक उनके बाप पे गया है। अभी ये भी शायद वायलेट निकल रहा है। उनके पैर तो धीरे धीरे पर तो आने लगे हैं। और ये दो चिक्स है वो थोड़े छोटे हैं। तो कुल मिला के 1, 2, 3, 4 और 5 चिक्स है इसमें। ये पैर ने भी मुझे 5 एक्स लेग किए थे, इनमें से 5 बच्चे निकले हैं। ये दोस्तों देख लीजिए मेरा वायलेट ऑफलाइन का मेल है और यूविंग ऑफलाइन की फीमेल्स है। इस पैर ने भी 1 लेकर दिए हैं, लेकिन ये पैर जो है वो पहली बार मेरे यहाँ ब्रीड कर रही है, क्योंकि बच्चों में से तैयार हुआ ये पैर है, इसलिए इनको मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये पहली बार 1 लेकर के बैठी है। तो फिर हड़बड़ाहट होगी या कोई डिस्टर्बेंस होगा तो फिर वो 1 छोड़ सकती है, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस है उसका ब्रीडिंग का, तो इसलिए कुछ ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं आपको खुल के इसकी ब्रीडिंग नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये मेरी वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी पैर है जिसने मेरे यहाँ पहली बार ब्रीड की है। ये मेरा केज नंबर 14 है और इसमें भी यूइंग का मेल लगा हुआ है और यूइंग स्प्लिट ऑफलाइन की फीमेल है। तो ये पैर भी अभी ब्रीडिंग पे है, इनका भी पहला क्लच है, इसलिए डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो केज नंबर 6 है जिसमें ब्रीडिंग आ चुकी है। इसमें भी 26/10 को पहला एक आया था, 27/10 को दूसरा एक आया है। और देखते हैं इसकी भी ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखते हैं। पहले ऐसे मटकी को थोड़ा नॉक कर दीजिए कीजिए, क्योंकि जो पैर है वो हड़बड़ाहट में कहीं अपने एक्स को नुकसान ना कर दें। तो इस पैर का भी ब्रीडिंग प्रोग्रेस देख लेते हैं। ये अभी अभी फीमेल यहाँ से बाहर निकली है, तो इस पैर ने भी ये आप देख सकते हैं 2 एक्स ले कर दिए हैं। तो ये मेरा अल्बिनो टू अल्बिनो का पैर है, केज नंबर 6, और ये पैर भी लेइंग करके बैठी है। तो दोस्तों ये मेरा एवियरी जो है उसका लुकआउट है। लगभग सभी केज में एक्स आ चुके हैं, थोड़े बहुत बच्चे भी निकले हैं, ये आप देख सकते हैं। सभी में ब्रीडिंग प्रोग्रेस अभी चालू हो चुकी है। वीडियो बहुत लंबे होने जा रहा है, इसलिए मैं सभी का ब्रीडिंग प्रोग्रेस तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं ये मेरी वो खूबसूरत एवियरी है जिसमें ये जो एवियरी है इसमें अभी तक 51 नंबर तक मेरे केज लगे हैं, इंडिविजुअल केज। फिर कॉलोनी भी है कहीं और जगह पर, ये आप देख सकते हैं केज नंबर 30 है। ये उनका रिकॉर्ड कीपिंग है, इस पैर ने भी 1 लेकर दिए थे जिनके एक्स पोस्टर हो चुके हैं। तो कुल मिला के सभी जो मेरे केजीस है इसमें भी एक्स या बच्चे अंडे आ चुके हैं और सभी ब्रीडिंग प्रोग्रेस है वो ठीक से माँ भवानी की कृपा से सही जा रहा है। आप सभी भी मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और याद रखिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितनी ज़्यादा कमेंट होगी, जितनी ज़्यादा लाइक होगी,
उतना ही नया नया वीडियो बनाने का मेरा मन होता रहेगा। और इसलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है, विनती है कि आप सभी को मेरी चैनल लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। और हाँ, आखिर में ये सभी बर्ड्स के लिए, सभी चीज के लिए एक बार जय भवानी जरूर बोलना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।